ये थ्री व्हीलर है अतुल की तरफ से आने वाला अतुल इलाई प्लस 2022 वाला जो न्यू वेरिएंट है। बाकी इस गाड़ी की मैं आपको कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो चार कलर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट। वहीं प्राइसिंग की बात करूं तो 170,000 इनकी 170,000 आप ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी। राजस्थान के अलवर से आप बिलोंग करते हो तो अप्रोक्स आपको लगभग सभी सिटीज के अंदर यही प्राइसिंग इसके देखने को मिलेगी। बाकी अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको कुछ कुछ जो स्पेसिफिकेशन है बैटरी वाइज उनके बारे में। सबसे पहले आपको 1 kW की आपको जो बैटरी है वो देखने को मिलेगी, जिसकी अगर मैं आपको थ्री व्हीलर की टॉप स्पीड की अगर बात करूं तो 24 km/h की जो स्पीड है ये अचीव कर लेता है। बाकी अगर मैं बात कर लूं इसके अंदर आपको जो बॉडी डायमेंशंस है 2780 mm की आपको मिलती है लेंथ, विड्थ की अगर मैं बात करूं तो 995 mm मिल जाएगी और 1795 mm आपको मिल जाएगी इसकी हाइट। वहीं अगर इसकी माइलेज की अगर बात कर ली जाए 80 से 100 km ये एक बार चार्जिंग पर चल जाएगी, और एक बार चार्जिंग को होने के लिए जो टाइम कितना लगता है अगर मैं उसकी बात करूं तो 8 से 10 घंटे आपको एक बार चार्ज करने के लिए इसको देने होंगे। बाकी लोडिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात की जाए तो 400 kg तक का जो ये वेट है वो उठा सकती है, मतलब ले जा सकती है। तो ये तो था इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी जो टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी यदि आप कोई भी अतुल की गाड़ी परचेज करना चाहता हो, राजस्थान के अलवर से बिलोंग करता हो, तो दर्शना ऑटोमोबाइल हनुमान सर्किल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आपको बेस्ट डील दी जाएगी। कोई भी क्यूरी हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने थ्री व्हीलर के बारे में, आपको कंप्लीट डिटेल देता हूँ कि आगे क्या क्या चीजें आपको जो फिजिकली है इसके अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले भी आपको एक ही रिक्वेस्ट होती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस लाल वाले बटन को दबाकर काला कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। इस तरीके का आपको इस थ्री व्हीलर की जो फ्रंट प्रोफाइल लुक है वो आपको देखने को मिलेगी। अतुल इलाइट प्लस की बैजिंग सिंगल वाइपर आपको देखने को मिल जाता है, जो आपकी जो विंडशील्ड है ना काफी अच्छी तरीके से उसको क्लीन भी कर देता है। बाकी उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके इसके जो हेडलाइट यूनिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे हॉर्न की प्लेसमेंट दो आपको शोकर्स मिल जाएंगे। बाइकों वाला सिस्टम ये इसके अंदर बेसिकली, जो बंदा बाइक चला सकता है इसको इजीली चला लेगा। बाकी नीचे का टायर साइज की बात करूँ तो आपको C8 के जो आपको टायर है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। बाकी टायर साइज की अगर मैं बात करूँ 3/75/12 का जो आपको जो टायर साइज है वो आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साइड में आपको जो इसके टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो की गई है, जो काफ़ी अच्छी जगह प्लेस की गई है मेरी पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो। बाकी दूसरी साइड चलते हैं, बाकी ओवरऑल गाड़ी की आप प्रोफाइल लुक देख सकते हो कि आपको किस तरीके से आपको लग रही है। बाकी यहाँ पर भी आपको जो मेनली जो चेंज है वो किया गया है। बाकी अब बात कर लेते हैं ऊपर रूफ के अंदर, तो पहले आपको जो फाइबर की जो छत थी वो मिलती थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, मेटालिक देने की कोशिश की है, जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको जो इसका जो जैक है, जो टायर पंचर हो जाए तो उसको चेंज करने के लिए, बाकी काफ़ी अच्छे मटेरियल का इन्होंने यूज किया गया है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो आगे आपको ड्राइवर सीट ही दी गई है, लेकिन बैठने को आप दो बंदे और बैठा सकते हो। यहाँ पर आपको एक्सीलेटर दिया गया है इसका। इस तरीके का आपको इस गाड़ी के जो सेंटर कंसोल है इनकी मीटर कंसोल है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हो टॉप 30 की दे रखी है, लेकिन ये ज़्यादा 25 की अप्रॉक्सी है। बाकी मैंने ड्राइव नहीं किया है, बाकी इनका जो ब्रोशर है वहाँ पर 25 ही लिखा हुआ है। यहाँ से आप इनके जो टर्न इंडिकेटर उसको कंट्रोल कर सकते हो। दिखा भी देता हूँ आपको किस तरीके से जो जलता है, इस तरीके से काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली बताऊँ, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब लाइट का जो थ्रो है। बाकी यहाँ से आप इसके जो हेडलाइट यूनिट है उसको कंट्रोल कर सकते हो, हेलोजन लाइट का इस तरीके से थ्रो है जो काफ़ी अच्छा। देखो 25 की स्पीड अगर टॉप है तो हेडलाइट यूनिट जो हेलोजन यूनिट है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी अच्छी है, नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ से आप इनका जो लाइट का थ्रो है वो हाई लो बीम कर सकते हो, यहाँ से आप गाड़ी को इंजन स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। कुछ ये था इसका जो फ्रंट प्रोफाइल लुक है वो आपको देखने को मिलती है उसके बारे में। तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिलेगा, एक यहाँ पर मिल जाएगा, दो स्पीकर के साथ में ये आपको जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लाइट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी गाड़ी की कंप्लीट असेंबली नहीं हो रखी है तो उस वजह से जो लाइट है वो नहीं जल रही है। बाकी उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ जालियों वाला सिस्टम दिया है जो पहले नहीं था। बाकी यहाँ पर आपको दिखा दूँ इस तरीके से आपको इसको ओपन करना है अनलॉक करने के बाद, तो यहाँ पर आपको इसका जो सारा जो असेंबल का जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने PDI कर रखी है अभी, इनकी प्री डिलीवरी इन्फेक्शन जिसको आप बोलते हो। कस्टमर को जब गाड़ी प्रोवाइड की जाती है तो कम्प्लीट चीज़ों को असेंबल करके ही दिया जाता है। बाकी यहाँ पर भी अतुल इलाइट प्लस के आपको जो बेजिंग वो आपको देखने को मिल रही है। उसी के साइड में यहाँ पर भी आप देखोगे पैसेंजर्स को पकड़ने के लिए आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
बाकी पीछे की सीट की अगर बात करोगे तो यहाँ पर दो बंदे आराम से बैठ जाएंगे, हेल्दी बंदे। यदि अगर आप कम साइज़ के हो तो आप मतलब छोटे हल्के शरीर वाले हो तो आप तीन बंदे भी बैठ सकते हो एक सीट पर, तो टोटल में लाके छः बंदे आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको चार बैटरी प्रोवाइड की जा रही हैं, दो यहाँ पर हैं, दो ही पीछे इसी तरीके का जो बॉक्स है वो ओपन होगा। इन्होंने ये अच्छा मैनेज किया है, स्पेस के हिसाब से बैटरियों को अच्छी जगह से प्लेस कर दिया है। दूसरी बैटरियों की बात करूँ तो यहाँ पर जो दो बैटरियाँ और हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, जिनकी प्लेसमेंट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी पसंद आई है, मतलब अच्छे जगह का स्पेस का यूज़ किया है। यहाँ पर बैटरियाँ हिले ना, उसकी वजह से भी स्क्रू वगैरह से इन्होंने बुलेट वगैरह से टाइट कर रखा है, ताकि बैटरियाँ लॉन्ग टर्म में जब आप यूज़ करते रहो तो वो आवाज़ वगैरह करती ना हो, ढीली हो, इधर हले, उसके लिए भी ध्यान रखा गया है। बाकी यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी आपको जो टायर साइज़ है वो चारों के चारों अलॉय व्हील मिल जाएंगे, जो स्पेयर व्हील है वो भी अलॉय व्हील ही मिलेगा। ये कार वाली कंपनियों की तरह नहीं है कि स्पेयर व्हील की जगह एक छोटा टायर देते वो भी स्टील रिम में, यहाँ पर आपको फुल साइज़ का मिलता है और वो भी अलॉय व्हील के साथ में ही, और सेम साइज़ का मिलता है टायर साइज़, वही सीट का देखने को मिल रहा है। बाकी आपको यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो आपको तीन तीन रिफ्लेक्टर इनके टर्न इंडिकेटर जो देखने को मिल जाते हैं। बाकी नीचे अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का आपको जो इसका जो ग्राउंड है वो आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर सस्पेंशन सिस्टम है जो आपको सॉकर का नहीं है, यहाँ पर आपको पत्तियों वाला सस्पेंशन सिस्टम जो लीफ का वो आपको देखने को मिलता है। बाकी ये तो था इस गाड़ी के बारे में, कंप्लीट थ्री व्हीलर के बारे में। फिर से आपको बता दूँ, यदि आप कोई भी अतुल की गाड़ी परचेज करना चाहता है, दर्शना ऑटोमोबाइल अलवर राजस्थान के अंदर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट एक बार बात कर लेना आपको क्या रेट है, कहीं और से भी परचेज करने जा रहे हो तो एक बार ट्राई मारें, कुछ नहीं जाता, टेस्ट ड्राइव लीजिए, गाड़ी को पसंद आए तो ही लेके जाना। यहाँ पर मैं आपको सभी के कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। वीडियो देखना आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।